मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग विद न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। अवर डेली लाइफ डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिसिटी। असी जड़ा इलेक्ट्रिसिटी तो बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। वी नीड इट एट होम्स, इन ऑफिस, इन इंडस्ट्रीज, इन फैक्ट एवरीवेयर वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। असी हर जगह की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, असी अपने होम्स के विच इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज़ करते हैं, ताकि असी जड़ा लाइटनिंग लै सकिए लाइटनिंग प्रोसैस लई, एंड होर भी जड़े हीटिंग परपसिज लई असी इलेक्ट्रिसिटी नू यूज़ करते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ के विच डिफरेंट डिफरेंट मशीनस नू जड़ा रन करन लई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। और इन आवर होम्स वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन वेरियस इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लाइक ट्यूबलाइट्स, डोर बेल्स, टेलीविजन्स, गीजर्स, हीटर्स, फैंस, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एट्सेट्रा। एवरीवेयर वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। और इस जड़ियाँ डिवाइसेस ने इलेक्ट्रिसिटी दियाँ, ये तो असी किहदे थ्रू ऑन करते हैं, थ्रू द यूज़ ऑफ मेन पावर सप्लाई। और कुछ डिवाइसिज इस तरह दी होंदियां ने जिन्हां दे विच असी बैटरीज यूज़ करते हैं, जिवें कि फोनस, टॉर्चिस, टॉयज, क्लॉक्स, वॉचिस, रिमोट कंट्रोल एटसेट्रा। इन्हां दे विच असी की यूज़ करते हैं, बैटरीज यूज़ करते हैं। और बैटरीज दे विच भी की हुंदा है, इलैक्ट्रिक सर्किट हुंदा है। सो आवर चैप्टर स्टार्ट विद द टॉपिक इलैक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लाइक बैटरी, सेल, बल्ब, स्विच, वायर्स एट्सेट्रा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, वन इज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सेकेंड इज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इन एन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, बल्ब कदों ग्लो करेगा, जदों की है स्विच की इन ऑन पोजिशन होएगा, और सर्किट की होएगा क्लोज होएगा। और जिहड़ा ओपन सिस्टम इलैक्ट्रिक सर्किट है, ओन पोजिशन इलैक्ट्रिक सर्किट है, उहदे विच की इलैक्ट्रिक करंट कित्थों फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नैगेटिव टर्मिनल। और सैकेंड वन इज़ ऑफ इलैक्ट्रिक सर्किट। ऑफ इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच की होएगा कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलैक्ट्रिक सर्किट साडा इनकम्प्लीट है। नैक्सट इज सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। देर आर वेरियस सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जितों मिला के एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, वो वाले असी वेरियस सिंबल्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज सेल, बैटरी, स्विच, बल्ब, वायर। फर्स्ट इज सेल। सेल दे विच टू टर्मिनल्स होंदे ने, फर्स्ट इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड सैकेंड इज नैगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल की जिहड़ी पॉजिटिव टर्मिनल की है, लोंगर लाइन के नाल डिनोट किया हुआ है, और जो नैगेटिव टर्मिनल है वह की है, शोर्टर लाइन के नाल डिनोट किया हुआ है। सैकेंड इज बैटरी। बैटरी एक या दो तो जिहड़ा सैल्स नू मिला के बनती है। इफ वी कनैक्ट टू सैल्स या टू तो ज़्यादा सैल्स असी कनैक्ट करते हैं, तो फिर साडे कोल जिहड़ा भी सर्किट बनता उन्हूं असी की कहने हैं, बैटरी। बैटरी दे विच भी उसे तरह होगा, फर्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल नैगेटिव टर्मिनल दे नाल कनैक्ट होएगा। पॉजिटिव की है, लोंगर वाली लाइन है, और नैगेटिव टर्मिनल वाली जिहड़ी लाइन है वह की है, शॉर्टर लाइन। और फिर नैगेटिव टर्मिनल जिहड़ा वह पॉजिटिव दे नाल कनैक्ट होएगा, जिवें कि तुसीं बोर्ड ते देख सकते हो। और फिर उस तो बाद जिहड़ा पॉजिटिव है वह नैगेटिव दे नाल कनैक्ट होएगा, सिमिलरली अप टू सो ऑन। इसे तरह ही बिकॉज पॉजिटिव जिहड़ा वा वह पॉजिटिव एंड नैगेटिव जिहड़े आ ओपोजिट ने एक दूजे दे, और वह एक दूजे दे नाल जिहड़ा ओपोजिटली कनैक्ट हुंदे ने। नैक्सट इज़ अ स्विच। स्विच भी असी जिहड़ा कोई भी इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच जिहड़ा स्विच नू दो टाइप नाल डिनोट करदे आ, वन इज़ ऑन स्विच एंड सैकेंड इज़ ऑफ स्विच। स्विच जिवें तुसी डेली अपनी लाइफ विच यूज़ करदे हो, स्विच ऑन कर दियो, ऑफ कर दियो, बट उहदा इलैक्ट्रिसिटी दे विच जिहड़ा सिंबल्स की ने ऑन स्विच दे, जिवें कि तुहानू मैं दस्सिया होया बोर्ड ते, टू टर्मिनल्स जिहड़े आ क्लोज्ड पोजिशन दे विच होणगे, तां उह की होएगा, ऑन स्विच दा सिंबल होएगा कि असी स्विच नू ऑन कीता है, और उहदे विचों इलैक्ट्रिसिटी पास आउट करेगी, बल्ब जां कोई होर इलैक्ट्रिक डिवाइस जिहड़ी आ उह साडी उदों वर्क करेगी। सैकेंड सिंबल है ऑफ स्विच,
ऑफ स्विच दे विच जिहड़े टू टर्मिनल्स है वह की है क्लोज पोजिशन दे विच नहीं होणगे, सर्किट इनकंप्लीट होएगा और बल्ब जां फिर होर इलैक्ट्रिक डिवाइस जिहड़ी है वह की ग्लो नहीं करेगी जां वर्क नहीं करेगी। आवर नैक्सट इलैक्ट्रिक कंपोनेंट इज़ बल्ब। बल्ब दे विच असीं जिहड़ा वा तुसीं देख सकते हो कि डबल्यू दी शेप नाल बनिया होया है और फिर की है एक राउंड राउंड किया होया उहनूं असीं सर्कल। बल्ब दे विच की हुंदा है कि टू वायर्स हुंदियां ने कनैक्टड विद अ स्प्रिंग और जो स्प्रिंग दे नाल कनैक्टड हुंदियां ने उस स्प्रिंग नूं असीं की बोलते हैं फिलामेंट। और वह वाला फिलामेंट जिहड़ा वह कि मैटल का बनया हुंदा है, एलीमेंट का बनया हुंदा है, टंगस्टन एलीमेंट का जिहड़ा फिलामेंट बनया हुंदा है। और जदों जिहड़ा ये स्प्रिंग है वो दोनों वायर्स नालों जिहड़ा डिसकनैक्ट हो जाता है तो फिर साडा बल्ब की है ग्लो नहीं करता और उसनों असी की बोलते हैं कि साडा बल्ब की फ्यूज्ड कर चुका है। बट जदों ये कनैक्टड हुंदा है तो फिर साडा की बल्ब ग्लो करता है। नैक्सट इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट्स इज़ वेरी ईजी टॉपिक। जो भी इलैक्ट्रिसिटी दे विच जिहड़ा वा असी कोई भी वायर्स यूज़ करते हैं जां फिर इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी है इस जो कोई पास आउट करती है इलैक्ट्रिक वायर्स दे विचों तो फिर की हुंदा है इलैक्ट्रिक वायर दे विचों जां बल्ब दे विचों इलैक्ट्रिसिटी पास आउट करती है दे बिकम हॉट, तां उह वाली चीज़ की है हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है ज़्यादा, तो फिर इस नूं असी की बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन होम्स बल्ब जदों बल्ब की है ज़्यादा देर ग्लो करता है तो वह की है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो इसनों असी की बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ बल्ब। बट ग्लो तो करेगा ही करेगा, ये नहीं कि वह ज़्यादा हॉट हो चुका है तो ग्लो नहीं करेगा, बट ग्लो करेगा ही करेगा वो, और इसनों असी बोलते हैं ये वाले इफेक्ट्स नूं हीटिंग इफेक्ट। मेनली असी अपने होम्स के इलैक्ट्रिक जिहड़ा हीटिंग इफेक्ट है वह कि इलैक्ट्रिक डिवाइसिस पाते हैं, इलैक्ट्रिक बल्ब दे विच हो गया टोस्टर, गीजर, हॉट प्लेट, रूम हीटर, इलैक्ट्रिक कैटल एटसैट्रा। ये सारे डिवाइसिस जड़ियाँ ने जो इन्ना वर्क कर दिया ना तो बहुत ज़्यादा की है हॉट हो जाएं ने और अपना जोड़ा हीटिंग इफेक्ट छड़ दियाँ ने। सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स मटीरियल लेंथ एंड थिकनेस। जोड़ा अमाउंट है हीट का कि किन्नी हीट प्रोड्यूस हुई कि डिपेंड करता है कोई भी जड़ी इलैक्ट्रिक डिवाइस आर वो मटीरियल मतलब वह किड़े मटीरियल का बनया होया है वो लेंथ के उपर जी थिकनैस के उपर डिपेंड करता है। इस तरह असी जोड़ा वा अज की डिस्कस किया इलैक्ट्रिक सर्किट्स एंड सिंबल्स ऑफ इलैक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलैक्ट्रिक सर्किट इलैक्ट्रिक करंट। थैंक यू।